उन्होंने कहा, राम भक्त की सीना कम पड़ सकता है, गोली सरकार की कम नहीं पड़ेगी। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग सा हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? FIR कर देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चर्च किसी मस्जिद के लिए ऐसे कोई कानून ऐसा नहीं है, कुछ कानून नहीं सनातन के है। लिए ऐसा क्यों? नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि इस अयोध्या सीरीज में हम आपको राजूदास महान जी से मिलवाएंगे, जिनको आपने अक्सर न्यूज़, मीडिया और भी कई तरीकों से देखा होगा या जाना होगा। इनकी बातें, इनकी विवादें अक्सर बहुत चर्चे में रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह आती है कि राम मंदिर, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, जहाँ पे आज हम आए हुए हैं, जहाँ के बारे में हमने आपको इतना सब कुछ बताया, दिखाया, आज वहाँ की वास्तविकता क्या है। आज हम हनुमानगढ़ी आए हैं, जो प्रभु श्री हनुमान जी की जगह है, जहाँ पे वो पूरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। तो आइए हम अपने एपिसोड पे राजूदास जी महाराज जी का स्वागत करते हैं। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? हनुमान जी महाराज की कृपा से ठीक हैं। आपके लिए मंगल कामना करते हैं जी, आपकी पूरी टीम के लिए मंगल कामना करते हैं जी, आपके जितने दर्शक हैं उनके लिए शुभकामना देते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि वह स्वस्थ रहें जी, मस्त रहें जी, और आपकी इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे अयोध्या कैसे बदल रही है, अयोध्या में क्या हो रहा है, कितने वर्षों के बाद अयोध्या में नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ राम भक्तों तक, सनातनियों तक, राष्ट्र प्रेमियों तक पहुंचेगा, जिसमें आपको ढेर सारा आशीर्वाद। हमारी टीम की तरफ से दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। सबसे पहले जब हम अयोध्या आए, मतलब कि इतना हमने रील्स या उस पर नहीं देखा था, जिस तरीके का प्रभाव यहाँ आके हमें महसूस हुआ, मतलब ट्रेन से उतरने के बाद एक राम भाव जो होता है, मन में ही सीताराम होना, मन बिल्कुल शांत हो जाना, इधर उधर जो भटकता है वो चीज़ नहीं, इसका यहाँ पे क्या कारण है आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पहले तो मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप बैठे हो, कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होतना आज्ञा बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे श्री हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। दुनिया के आप किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे तो देखेंगे कि राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे जी। लेकिन यहाँ जब आप दर्शन करेंगे, देखेंगे तो आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है और मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन करते हुए पीछे से सपरिवार हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कहोगे कि आपके मन में एक शंका और सवाल आएगा कि हनुमान जी महाराज कैसे राजा, बेटे तो लव और कुश थे जी, तो हनुमान जी कैसे राजा? हनुमान जी इसलिए राजा क्योंकि जब जगत जननी माँ जगदम्बा लंका में थी रावण की कैदखाने में, तो पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था तो हनुमान जी महाराज पहुंचे थे। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो उन्होंने जो परिचय दिया माँ को, उन्होंने कहा राम दूत मात जानकी सत सपत करुणा निधान की, हे माता जानकी मैं राम दूत हूँ। ये नहीं कहा मैं फला हूँ, ये नहीं कहा मैं राजूदास हूँ, ये नहीं कहा फला स्वामी हूँ, उन्होंने कहा राम दूत मात जानकी, हे माता जानकी मैं राम का दूत हूँ। माँ को लगा वाह, इस निष्काम भाव का सेवक अति प्यारा अति लाडला ही हो सकता है ठाकुर जी का, बाकी कम ही ऐसे भाव के होते हैं जी। अपनी प्रसिद्धि के लिए पहले अपना नाम कुछ करते हैं, कहते मैंने किया, मैंने किया, तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या, कौन सा योगदान है, मैंने किया मैंने। लेकिन आप देखिए भगवान का, तो वहां पर जब लंका में रावण के बेटे को संहार करने के बाद, लंका को सकुशल जलाने के बाद, हाँ जी, पुनः माँ के आशीर्वाद लेने आते हैं तो माँ आशीर्वाद देती है कि अजर अमर गुण निधिषित हो, अजरता का अमृत का पुत्रवत आशीर्वाद देती है माँ। जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगते हैं तो माँ के चेहरे पे मलिनता, पर उन्होंने पूछा कि हे देवी ऐसा भाव क्यों? माँ ने कही सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग सा हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? उन्होंने कहा मानस पुत्र हनुमान को माना था, राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता है, इसके नाते मेरी भाव मेरी इच्छा है कि इस अवध का, इस जहां पे आप राजा हैं उस जगह का राज तिलक हनुमान का हो। हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ,
हनुमान जी पुनः चेहरा मलिनता किए, भगवान के साथ साकी धाम को भी जाने लगे जी। ठाकुर जी ने उनको रोका, बोले ये हनुमान तुमको यही रहना है, हाँ जी, और जितने प्रजागण हैं, भक्तगण हैं, उनकी दुख सुख उनकी मनोकामना को तुमको पूर्ण करना है। बोले प्रभु मैं कैसे रहूंगा इतना झंझावात। बोले ठीक है, राम के सहारे रहो, नाम के सहारे रहो, जब तक पृथ्वी पर राम नाम होगा तब तक यहाँ पर तुम रहोगे। जैसे आप आए, हाँ जी, आए जब तो आपको मन में वो मिला होगा, सकून मिला होगा जी। सकून इसलिए मिला होगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ हर घर में भगवान राम की मूर्ति है, हर जगह। अभी भी आपको सीताराम सीताराम का धुन सुनाई दे रहा होगा, हर जगह सीताराम 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 का धुन। वो राम नाम ऐसी महामंत्र है, ऐसी महाशक्ति है, उस महाशक्ति के बल पर समुद्र में जल के ऊपर से पत्थर को भी तैराया जा सकता है, पार हुआ जा सकता है। बिल्कुल, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लो, लंका, लंका में राम नाम जी। जब गिलहरी ने देखी तो गिलहरी खुद समुद्र में स्नान करती थी, बाहर आती थी और उस बालू में ऐसे गोल गोल घूमती थी और फिर जाके स्नान करती थी। भगवान देखकर हंसे, बोले ये पगली क्या कर रहे हो। बोले आप कौन? तो बोले कि मैं दशरथ पुत्र राम। बोले अच्छा प्रभु आप ही राम है, आपको बार बार प्रणाम है। मैं इसलिए काम कर रही हूँ कि जब इतिहास में इसका वर्णन होगा कि भारत की बेटी को किसी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारी ने, किसी राक्षस ने अगर उठाया था तो मेरा भी एक उस पुल के निर्माण में एक कण का मेरा योगदान है, इसके नाते में कर रहा हूँ। तो जब अयोध्या में आप गलियों में घूमेंगे, देखेंगे राम मंदिर में तो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास कार्य तो हो रहा है, भूतेन भविष्यति, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, त्याग के बाद, तपस्या के बाद, साधु मुनि महात्मा आश्रम को छोड़कर, भजन पूजा पाठ को छोड़कर, मंदिर को व्यवस्था को छोड़कर, गांव में गलियों में घूमकर सनातनियों को जगाया, जिसका प्रणाम स्वरूप एक संघ विचार का परिवार का जन्म हुआ। उस संघ विचार परिवार ने प्रयास किया, अलग को जगाया, हिंदू जनमानस को एक मंच पे लाया और एक ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया कि दो लाल को जन्म दे दिया, मोदी और योगी। योगी आप समझो ये मामूली बात नहीं है। बिल्कुल, मैं आप एक घटना बता दूं, आप कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है महाराज जी। जी, जब 15 दिन में दो जज आते थे, हाँ, एक मुस्लिम जज और एक हिंदू जज सुप्रीम कोर्ट से, उन जजों का सिर्फ काम यही था सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार कि वहां पर आप जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना तो कोई नहीं कर रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हिंदू जज आता था वो तो भाव में विभोर हो जाता था। एक सर थे एसके सिंह साहब, उनको मैंने देखा, हाँ, वो आए तुरंत जो है मस्तक पर जो है अपना वो वहीं से मिट्टी ऐसे उठाया, ऐसे लगाया और गले से रुद्राक्ष की माला निकाला, बैठकर वहां सीताराम सीताराम करने लग गए। और जो मुस्लिम जज था, हाँ जी, बहुत पीड़ा होगी आपको। वो पहुंचता है, ठंडी का महीना था, ठीक है, वो जैसे पहुंचा वहाँ जो मजिस्ट्रेट नियुक्त थे उनसे कागज मांगा कि यहाँ क्या क्या है, वो कागज लेकर दो। वो जब कागजात दिया तो उसने पढ़ा, उसने बोला कि ये तुलसी का पौधा कैसे रखा हुआ है। पुजारी जी ने कहा कि हमारे सनातन में व्यवस्था ये है कि जब तक तुलसी दल ना डाला जाए तब तक भोग नहीं माना जाएगा, और वहाँ भोग लगने की कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए ये रेवड़ी दाना है जी, इतने वर्षों तक ठाकुर जी की यही भोग लगा और भी भोग में खाली रख कर हटा लिया गया, तुलसी नहीं पड़ी जी। क्योंकि वहां पर कोर्ट के आदेशा अनुसार, अधिकारी के मनमर्जी के अनुसार वहां पर कोई भी चीज लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, ठीक है। तो पुजारी स्वाभाविक है माला फूल प्रसाद लेकर कोई नहीं जाता था, वही रेवरी का वहां पर भोग लगता था। तो पुजारी जी ने एक छोटा सा एक गमला रखा था, उस गमला में हल्का सा टहनी नुमा एक पतला सा पेड़ था तुलसी जी का, उसी के सहारे उसी पेड़ को ऐसे छुआ देते थे, फिर वहीं रख लेते थे, वहीं बत्ती उत्ती दिखाकर अपना उसको वो कर देते थे। तो जज ने उठाया और उसको उठाकर फेंक दिया, आप समझिए, वो जज उठाकर उसको फेंक देता है। ओके, उसके बाद वो कहता कि हाँ ये चटाई कैसे रखे हो, क्योंकि टीला पे भगवान की मूर्ति थी, वो मिट्टी का मिट्टी ही था तो ठंडा लगता था। तो उन्होंने कहा कि ठंडी होने के नाते मैंने चटाई रखा, तो उन्होंने उस चटाई को हटा दिया। और हटाने के बाद उसने कहा कि बदतमीजी भरे बातों में
एफआईआर कर देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, उस चटाई को हटवा दिया। उसके बाद वहां पर 9 साल से टेंट फटे हुए थे भगवान का, आप समझिए त्रिपाल फटे हुए थे, ठीक है, और त्रिपाल उस टेंट के फटे होने के नाते उससे जल गिरता था परमात्मा के ऊपर, तो उनका वस्त्र जो है फट चुके थे, और वस्त्र इतना फट चुके थे कि पुजारी शर्माता था ठाकुर जी की सेवा करने में, कहीं हमारे हाथ लगाने से वस्त्र भगवान वस्त्र विहीन ना हो जाए, जी ऐसा ना हो जाए कि ठाकुर जी के वस्त्र जो है वो ऐसा हो जाए। तो इसके नाते पुजारी जी हाथ नहीं लगाते थे उस वस्त्र के ऊपर, ठीक है, और साल में एक ही बार वस्त्र बदला जाता था, वो भी रामनवमी के दिन, एक बार साल में वस्त्र परिवर्तित किया जाता था, और आप समझिए कितनी पीड़ादायक, असंभव कार्य संभव हुआ। ऐसे नहीं, 76 बार की लड़ाई के बाद, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं है, इसके लिए बहुत संघर्ष और बहुत मामूली बात नहीं है महाराज, आप समझो डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक तरफ कहते हो कि सेकुलरिज्म ये सेकुलर राष्ट्र है जी, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, ये कैसा सेकुलरिज्म, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय को गाली दिया जाए, बिल्कुल ये कैसा सेकुलरिज्म भैया, भगवान राम को टेंट में रखो, ये कैसा सेकुलरिज्म, यहाँ तक मठों मंदिर का चढ़ावा तुम ले लो, मठों मंदिर का एक्वायर कर लो, पूरे देश में 4 लाख से ऊपर मठों मंदिर के एक्वायर करके रखा है, 60 कानून बने हैं मंदिर का अधिकरण अतिक्रमण करने के लिए, बाकी किसी मदरसा किसी चर्च किसी मस्जिद के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है, सनातन के लिए ही ऐसा क्यों। तो दुख था सांस्कृतिक आजादी का, वो दिन 22 जनवरी जैसे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जंगल में निशाचरों को संहार करने के बाद, छुआछूत ऊंच नीच के सारे भेदभाव खत्म करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या के नर नारी अयोध्यावासी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा खूब 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 उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग 22 जनवरी की तैयारी उस भाव से 22 जनवरी की उत्सव मना रहे हैं। नहीं इस बार यूथ, पहले क्या था कि सिर्फ जो बड़े बूढ़े थे उन्हें हमारे हिंदू धर्म और सब चीज़ों के बारे में पता था, पर इस बार सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स ये एक बहुत बढ़िया जरिया रहा जिनके कारण यूथ भी इस बार बहुत उठा प्रभु श्री राम को लेके, और कहा जा रहा है कि इस बार ऑनलाइन सर्वे जो हुआ है उसके अंदर अभी तक 50% डिग्रेडेशन हुआ है कि पब्लिक ने अभी तक हैप्पी न्यू ईयर नहीं लिखा। सबका ये कहना है कि 22 जनवरी को ही हमारा नया साल मनाया जाएगा जिस दिन मंदिर का निर्माण पूरा होगा। नहीं विषय क्या है कि विषय सिर्फ मंदिर का ही नहीं है जी, विषय ये है कि जिस प्रकार से लोगों ने सनातन को नीचे दिखाने का प्रयास किया, राजनेताओं ने सनातनियों से दूरी बनाने का प्रयास किया, राजनेताओं ने प्रयास किया कि कैसे सिर्फ एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय को लेकर चला जाए, बिल्कुल इसके नाते लोगों में आपने देखा होगा कि माता पिता भी कहां मंदिर की ओर चंदन लगाए हो तिलक मिटा देना, हाँ जी आज लोगों में इतना बदलाव आया, एक क्रांति आई, हर व्यक्ति क्या बच्चा क्या नौजवान क्या बूढ़ा सर्व समाज मंदिर की ओर सनातन की ओर सनातन संस्कृति की ओर। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो सनातन जो यह सिखाता हो, हम साधु हैं किसी संत किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता, आरती करता है तो आरती करने के बाद बोलता है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सत्भाव और विश्व का कल्याण हो, ये अन्य किसी मजहब में नहीं है, धर्म एक ही सनातन, बाकी सारे मजहब है अपने अपने तरीका से, गुरुओं ने धर्म गुरुओं ने पूर्वाचार्यों ने पूर्वजों ने महापुरुषों ने बनाकर लोगों को जोड़ने की व्यवस्था किया, लेकिन धर्म एक सनातन बाकी सारे मजहब, सनातन में तमाम हमारे यहाँ संप्रदाय है, एक से एक संप्रदाय है, उसी संप्रदाय से जैसे ईसाई संप्रदाय हो गया मुस्लिम संप्रदाय हो गया, ये सब संप्रदाय है, धर्म एक सनातन, जैसे हमारे यहाँ निवारकी है निरालंबी है रामानंदी है उदासीन है हमारे यहाँ सन्यासी है, ये सारे संप्रदाय मेरे यहाँ भी हैं जो निराकार को भी मानते हैं साकार को भी मानते हैं,
तो लोगों के अंदर ये जागृति, ये प्रवृत्ति आना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ नौजवानों को, नौजवान साथियों को। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। हमारे पूर्वजों ने, आप समझो कि 1000 वर्ष तक गुलामों की जंजीर वेरियों में थे, फिर भी आज हम बचे हुए हैं। आप समझो उस समय में पीड़ा क्या हो सकता है। जब मैंने प्रत्यक्ष देखा, लाश उठाया हमने, माननीय मुलायम सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री थे, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया। उन्होंने कहा राम भक्त की सीना कम पड़ सकता है, गोली सरकार की कम नहीं पड़ेगी। राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर है, यहाँ गोली चली थी, कई 1000 लोग मारे गए। इससे थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे, शहीद गली आज भी नाम है, वो 1.25 किलोमीटर पे है, वहाँ आज उसका नाम शहीद गली हो गया, कई 100 लोग मारे गए उससे। और आप जब इधर बढ़ेंगे नया घाट की ओर, राम की पैरी, जहाँ आज भी लोग बताते हैं कि वो राम की पैरी खून से लाल हो गई, लाश से तैर रही थी, जिंदे लोगों को भी लोगों ने सरजू जी में फेंक दिया, अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी थे। आप समझो वो दूरी लमसम 2 किलोमीटर, रेलवे अयोध्या पुल की दूरी 3 किलोमीटर, 1000 लाशें पड़ी हुई थी। आप समझो उन राम भक्तों के पास कुछ नहीं था, न लाठी था, न डंडा था, न ईंट था, न पत्थर था। ये कैसा राजधर्म, ये कैसा सेकुलरिज्म कि राम जन्मभूमि से इतना दूर, राजा का परम कर्तव्य होता है जनता की रक्षा सुरक्षा, उसके बाद और कोई काम। जब उसकी जनता सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसका डिसीजन किस काम का, गोली चलाने का आदेश दिया। आप समझो हम लोगों ने, जो हमारे आश्रम के बच्चे कुछ खत्म हुए थे, जब हम लोग पहुंचे लाश ढूंढने के लिए, तो उनके पास एक थैले थे, हम लोग आईडी प्रूफ ढूंढ रहे थे तो थैले मिले। थैले में क्या था, लैया दाना, थैले में क्या था, सत्तू, थैले में क्या था, मिर्चा, नींबू, नमक। क्या नींबू, नमक, मिर्चा, लैया दाना से किसी के ऊपर हमला हो सकता है क्या? गोली सीना से छलनी कर दिया। समझो जब डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान का राज है, तब ये स्थिति उत्पन्न हुई। जब समझो आक्रांताओं का राज था, आक्रमणकारी का राज था, जो कहा जाता कि सभा मन जनेऊ तौला जाता था तो पानी पीते थे, हमारी बहू बेटियों महिलाओं का मीना बाजार मंडी लगाते थे, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे की कलेजी निकाल कर उनके गुरुओं के मुंह में ठूस दिए जाते थे, उनके बच्चों को जो पेड़ दिए जाते थे, इस जो इतिहास कह रहा है वो सत्य था। जो आज जब देख रहे हैं संविधान के राज में स्थिति है, तो राम मंदिर निर्माण फ्री में नहीं हो रहा है। इतने वर्षों के त्याग, तपस्या, समर्पण, कुर्बानी के बाद राम जन्मभूमि मंदिर और देश में 2 पुत्रों का जन्म भारत माता ने दिया, मोदी और योगी, जिसका प्रणाम स्वरूप है। मंदिर के निर्माण के साथ साथ आप देखोगे, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं है, मंदिर का निर्माण कोई सरकारी पैसे से नहीं हो रहा है, मंदिर का निर्माण हम और आप राम भक्तों ने जो अपनी इच्छा भेंट किया है, जो समर्पण राशि भेंट किया, उससे निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन सरकार का जो प्रयास है, मंदिर के साथ साथ अयोध्या एयरपोर्ट आपने देखा, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे उद्घाटन किया, रेलवे स्टेशन इतना सुंदर, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे उद्घाटन किया। मेरे कहने का मतलब, ठीक है राम जन्मभूमि में कोई बात और विवाद चल रही थी, भगवान राम और बाबर से तुलना नहीं किया जा सकता है, बाबर एक विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, बलात्कारी, भगवान पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, फिर भी यहां संविधान का राज चलता है। हम कलम के पुजारी हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, इसलिए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़के, और फैसला आया, फैसला आने के बाद ही देखिए देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है। तो मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर, इसलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा, हर व्यक्ति की चिंता और चिंतन, तो कैसे अयोध्या आगे बढ़े, कैसे अयोध्या डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट में किस प्रकार से सरकार का क्या भूमिका होनी चाहिए, सरकार का क्या योगदान होनी चाहिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा हो रहा है। मोदी जी को आभार है, धन्यवाद है कि ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने हमको दिया, जिसका प्रणाम स्वरूप है इस प्रकार के कार्य होना। नहीं, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल आपका इस चीज़ से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो संघर्ष किया गया वो सिर्फ हम लोग अभी सोच सकते हैं, पर जो बीता कल था, अगर हम उन पन्नों को उठा के देखें तो अपने आप आंसू बाहर निकल रहे हैं और मन से दुख हो रहा है कि किस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं। वो बीता कल आज वापस नहीं आ सकता कभी, क्योंकि अब मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जिन्होंने इस तरीके से अब हमारे देश को बनाया है कि अब वो चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती। पर मेरा इसमें ये चीज़ जाननी थी कि जब वो समय था तो उस समय क्या होता है, जब आदमी को बहुत चीज़ें गिरती हुई दिखती है ना, तो वो कई बार स्टेप बैक कर लेता है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, तो उस समय आपने हिम्मत कैसे जुटाई? क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है कि इतनी लाशों के समय पर भी दृढ़तापूर्वक आप सामने खड़े थे और ये साहसपूर्ण कदम उठाया। सनातन जो सिखाया हमको, जो शिक्षा, संस्कार, आचार व्यवहार, हाँ जी, जो सिखाया, उसका प्रणाम स्वरूप है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास। आप समझो
कि पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम को महाराजा दशरथ ने कहा कि बेटे तुम्हारा राज्याभिषेक मैंने कर दिया, तुम राजा हो, तत्काल मुझको बंदी बनाओ, जेल में डाल दो और अयोध्या का राजपाट संभालो। भगवान हंसे, बोले वाह क्या बात है, अयोध्यावासी ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी। जो अयोध्यावासी सदैव स्वर्ग लोक, स्वर्ग व्यक्ति मरने के बाद जाता है, हाँ जी, सदैव नहीं जा सकता है, स्वर्ग लोक अयोध्यावासी सदैव सेना सहित जब देवताओं की पुण्य छीन होता था, महाराजा दशरथ स्वर्ग लोक गए देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। आप बताओ हम लोगों को क्या शिक्षा देंगे, लोग इसे क्या शिक्षा लेगा कि अयोध्या का परम प्रतापी राजा अपने पुत्र मोह में, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस चीज को भुलाकर ये कह रहा हो कि माँ की बात मत मान, मेरी बात मत मान, मुझको बंदी गृह में डाल दे, तू राजा बन जा, ये संभव कहाँ हो सकता है? संभव भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं हो सकता। भगवान बन को गए। उसी प्रकार से जो सनातन पद्धति है, सनातन संस्कृति है, आपने कहा वो दिन वो पल भुला नहीं सकते हैं, ठीक है वो बीती, वो काली छाया थी, बीत गई, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, उसको आप नहीं भूल सकते। भूलोगे इतिहास गवाह है, जिसने पीड़ा को, दुख को, कठिनाई को भूला, आगे गुलामी की जंजीर में जरूर जकड़ा। क्योंकि आज हिंदुस्तान तभी तक स्वतंत्र है जब सनातनी बहुसंख्यक है, संविधान का तभी तक सम्मान है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, संतों का तभी तक सम्मान है जब हिंदू है, मठ मंदिर तभी तक बचा है जब तक हिंदू है। आज कोई पाकिस्तान में राजू दास को कोई नहीं बुलाता, अफगानिस्तान में कोई नहीं बुलाता, सीरिया में, ईरान में, इराक में, यरूशलम में कोई नहीं बुलाता, क्योंकि वहां हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, जब सनातनी रहेंगे तब न। इसके नाते धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। जिस समय में वो लाश से देखा, अरे राम राम, रूह कांप गया। आप समझो ऐसे भी लोग थे, हम लोग तो तत्काल गए पुलिस नहीं, क्योंकि लोकल के हम लोग रहने वाले थे, ऐसे ऐसे लोग थे बताए, टाली पर, नगर पालिका के टाली ठेले पर, वो उसको लाशे को ऐसे फेंक देते थे, ले जाओ सब्जी जिम फेंक दो, किसी को मुख आग्नि भी नहीं दी गई, सही से सम्मान भी नहीं मिला उस सरकार में, जो स्थिति थी। तो वह समय भूला नहीं जा सकता है, उस दिन को याद व्यक्ति को रखना चाहिए, मनन में रखना चाहिए, और आगे सनातन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है मठ मंदिर का होना। सनातन बचा इसलिए है कि धर्म गुरु हमारे जिंदे हैं, मठ हमारी स्थापित है। मठ में आप समझो कि आक्रांताओं ने क्या किया, पहले उसने मठ को तोड़ना प्रारंभ किया। मठ में गुरुकुल परंपरा थी, उस वेद विद्यालय को, गुरुकुल परंपरा को ध्वस्त किया। आप समझो नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में 20,000 से ऊपर प्रोफेसर थे, 100 कुछ देश से स्टूडेंट आके पढ़ते थे। और आज के बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, भारत तो वो सपेरों का देश था, भारत को क्या आता था, कुछ नहीं, ये आए ये हमको सिखा गए, ये आए वो हमको सिखा गए। बताओ जो बालू फांकने वाला व्यक्ति, उसके एक मकान नहीं, वो बताता कि इसने ताजमहल बना दिया। अरे जिसका खुद का घर नहीं, वो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति लुटेरा वहां से भगाया गया, ताजमहल बना दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। इतिहास को इस प्रकार से दबाया गया, तोड़ मरोड़ पेश किया गया। दुखद है, इतने वीरांगनाएं देवियां, इतने वीर महापुरुष, उनकी इतिहास में कोई लेखन नहीं है। आप बताओ महान बाबर, इनका पढ़ाया जाता है, औरंगजेब, मैं डिबेट में कहीं ना कहीं रोज रहता हूं, दुख होता है कि जब मैं बोलता हूं कि बाबर एक विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी, मुसलमान फफक के रोने लगते हैं, अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया, मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं जी। किसी भी, मैं पुनः कहता हूं, डंके की चोट पर वो धर्म नहीं हो सकता जो ये सिखावे, मारना, काटना, मंदिर को तोड़ना, किसी बहन बेटी बहुओं का इज्जत लूटना, वो धर्म कतई नहीं हो सकता है। जो सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, वो धर्म होता है, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। रावण परम प्रतापी था, त्रिकालदर्शी पंडित था, भगवान भोले का साक्षात भक्त था, आज भी शिव तांडव स्तोत्र उसका गाया जाता है, रोज कहीं कहीं लोग पढ़ते हैं शिव तांडव स्तोत्र, उसका लिखा हुआ। आज कहीं रावण का मंदिर नहीं है, पूजा पाठ नहीं होती है, इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि कुकर्मी था, वो मंदिर को तोड़ता था, गाय को मारता था, संतों को मारता था, बहन बेटी बहुओं को उठा ले जाता था,
उसके जो काम थे वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला काम था, इसके लिए पूजा नहीं होती। इसी के नाते अभिप्राय यही कहना है कि नौजवानों के अंदर जागृति आई, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि ऐसे ही सत्य सनातन की ओर बढ़िए और सत्य सनातन के ही मार्ग पर चलने के बाद मन में शांति और आप परम वैभव तक जा सकते हो। मैं दिल से शुक्रिया मांगता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इस प्यारे से एपिसोड के लिए टाइम दिया, और जो आपके विचार हैं मैं पूरे जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ को फैलाई जाए। जो आज के समय में हमारे साथ जो बैक में हुआ, आप उसे अभी हम फ्रंट में तो ला नहीं सकते, बट जो अभी करंट सिचुएशन है कि सनातन धर्म को जितना फैलाया जा सके आप उतना फैलाएं, उतना आप सतर्क बने। चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्मेट में हो, चाहे वो रिटर्न फॉर्मेट में हो, आप उन्हें पढ़ें, अपने ग्रंथों को उठाएं और हमारे देश को आगे लेके जाएं। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। सीताराम, जय जय श्री राम, बोल बजरंगबली की जय। खूब खूब आशीर्वाद, मंगल कामना।